नमस्कार। संसार क्रांति की टीम इस समय सफीदो विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ चर्चा में शामिल है युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव नरेश जांगड़ा, जो अपने यहां पर उम्मीदवारी प्रस्तुत कर रहे हैं और दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं पार्टी की तरफ से। तो हम इनकी जुबानी जानना चाहेंगे, क्योंकि यदि वर्तमान की हम बात करें तो चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी जो राजनेता हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ऐसे में नरेश जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। करमवीर जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं संसार क्रांति को और आपको इस चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि परमपिता परमात्मा संसार क्रांति को और आपको आपका जो चैनल है ये दिन दुगनी रात चुगनी करें। नरेश जी, यदि हम वर्तमान की यदि सत्ताधारी पार्टी की हम बात करें तो आप लोगों की पार्टी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। अभी जन आक्रोश रैली हुई, नाम भी जन आक्रोश, तो क्या कमी लगती है आपको सत्ताधारी पार्टी के अंदर? क्या कमियां हैं जिसकी वजह से आप जन जन के बीच में जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं? करमवीर जी, सबसे पहले मैं एक बात आपको 2014 पीछे ले जाना चाहूँगा। जिस प्रकार 10 साल के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही जी। और 2014 का चाहे हम पार्लियामेंट की बात करें या विधानसभा हरियाणा की बात करें जी। तो बीजेपी सरकार ने हरियाणा के अंदर 154 वायदों के साथ चुनाव लड़ा जी। उसमें चाहे आप मजदूर की बात करें, किसान की बात करें, व्यापारी की बात करें, छात्र की बात करें, छोटे दुकानदार की बात करें या युवाओं की बात करें, बीजेपी के लीडरशिप ने आम जनता को अनेकों सपने दिखाए। उन्होंने युवाओं को कहा कि भैया हम हरियाणा प्रदेश और पूरे देश में 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। उन्होंने कहा, किसान को कहा कि भैया हम आप लोगों के लिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। युवाओं के उसके साथ साथ में कहा कि भैया जिन साथियों को हम रोज़गार नहीं दे पाएंगे उनको हम जो है 9,000 रुपये का बेरोज़गारी भत्ता देने का काम करेंगे। इसी प्रकार उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी के सपने दिखाए। इसी प्रकार उन्होंने गरीब, बलात्कार, मजदूर, हर वर्ग की, यानी कि हम किसी भी समाज की अगर हम बात उठाकर देखें तो बीजेपी सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया है। नरेश जी, ये तो रही बीजेपी की बात। अभी जो ताज़ा अलायंस हुआ है बसपा और इनेलो पार्टी का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा करमवीर जी और आपके दर्शकों को साथ में, क्योंकि गठबंधन वही पार्टी करती है जो पहले अपनी हार मान चुकी होती है। और आप आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिएगा, इनेलो 15 साल से सत्ता से बाहर हरियाणा प्रदेश के अंदर, और हमें नहीं लगता कि ये कहीं भी पाएंगे। क्योंकि चाहे आप बीएसपी की बात करें, आप उत्तर प्रदेश में जाइएगा, उत्तर प्रदेश में आपने देखा 402 सीटों में से वो 19 सीटों पर सिमट गई विधानसभा के अंदर। इसी प्रकार हरियाणा के अंदर पहले भी कोई इनका जनाधार नहीं था, आज भी कोई जनाधार नहीं है। ये सिर्फ जो है अपनी लाज बचाने के लिए गठबंधन है। पार्टी में और कौन से पद हैं जो आपके कहीं ना कहीं मौजूदगी को दर्ज कराते हैं? कोई और पद भी आपके पास पार्टी में? वैसे तो मैं एक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ में मुझे राजीव गांधी पंचायती राज जोनल की संयोजक की जिम्मेवारी दे रखी है पार्टी ने, और मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश का मैं सचिव भी हूँ हरियाणा का, और मैं अनेक भिन्न भिन्न पदों पर जो है कार्यकर्ता रहा हूँ, और आगे भी मुझे जो जिम्मेवारी पार्टी मुझे देगी मैं पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से उसको निभाने का काम करूँगा। नरेश जी, आपके क्योंकि आप राजनीति में रहे हैं और हर राजनेता का कोई अपना आदर्श होता है, तो राजनीतिक आदर्श किसको मानते हैं आप? देखिए जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई भी आदमी राजनीति करता है तो उसका राजनीतिक आदर्श होता है। तो मेरे जो आदर्श हैं आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक तंवर जी, हरियाणा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो मेरे आदरणीय हैं, वो मेरे गुरु हैं, मैं उनका अपना आदर्श मानता हूँ। तो जैसे यदि टिकट की हम बात करें या फिर जीत को लेकर के आश्वस्त होने की बात करें, तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी धड़ेबाजी है, हम देख रहे हैं, चाहे हुड्डा गुट की बात करें, तंवर गुट की बात करें, चाहे सुरजेवाला गुट की हम बात करें, तो गुटम गुट वाली जो राजनीति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, आपकी टिकट की सुनिश्चित होने की बात जहाँ तक आए तो उसको लेकर के कितना आश्वस्त आप हैं? करमवीर जी, मैंने पहले भी आपको एक बात कही है जी। कि सबसे पहली बात तो हमारी ये है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है जी। आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डॉक्टर अशोक तंवर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और हम सभी मिलकर
चाहे उसमें आपने रणदीप जी का नाम लिया, भूपेंद्र हुड्डा जी का नाम लिया, या किसी और अन्य की बात अगर हम करें, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं और एक परिवार को मजबूत करने के लिए आज डॉक्टर अशोक तंवर जी को कमान तो में जो है पूरा हरियाणा प्रदेश जो आपने जन आक्रोश रैली को भी अभी देखा है, हरियाणा प्रदेश से कम 50,000 से अधिक संख्या में जो है साथी जन आक्रोश रैली में हिस्सा लिया और उसमें सभी साथियों का सहयोग था। एक अंदर की बात यदि मैं पूछूं तो क्योंकि हर राजनेता अपनी जीत के दावे प्रस्तुत करता है, तो चुनौती के रूप में आप क्या बड़ी चुनौतियां आप मानते हैं, आपका जो सफ़र है राजनीतिक सफ़र उनमें चुनौतियां, क्योंकि सच्ची नीयत के साथ मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इसलिए आप खुल करके क्या कहना चाहेंगे, चुनौती क्या नज़र आती है आपको सफीदो विधानसभा से? मेरा मानना ये है करमवीर जी, मैं कोई चुनौती नहीं मानता जी। क्योंकि चुनौती वो लोग मानते हैं जो एक धर्म की, एक जाति की, एक क्षेत्र की जो राजनीति करते हैं। मेरा सफीदो हलका जो है वो मेरा एक परिवार है और आपको पता है मेरा गांव सफीदो हलके का तो सबसे बड़ा है ही है, उसके साथ में जिन जिले का सबसे बड़ा गांव है मोहना जी। और जितना मुझे मोहना प्यारा है उतना मुझे सफीदो प्यारा है, और जितना मुझे सफीदो प्यारा है उतना मुझे बम्बेवा, गंगोली, मुरखी, धर्मगढ़, मलकपुर रोड, अफताबगढ़, खेड़ा, खेमावती, पाजू, कला पाजू, खुर्द, सिंघाना, यानी कि मेरे लिए जो है मेरा एक ये परिवार है जी। और नरेश जी, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं तो राजनेताओं की हमने राजनीति के तौर तरीके बदलते देखे हैं, उनके राजनीति में हथकंडे नजर आते हैं, जैसे शराब, स्वाब, कुआब, शाम, दम, दंड, भेद, नोट, वोट, शोट, ये जो हथकंडे होते हैं, इस तरह की राजनीति को आप कहाँ तक जायज़ मानते हैं और आपका अपना राजनीति करने का तरीका क्या होगा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल आपने ठीक कहा, जब चुनाव का समय आता है तो बहुत से नेता जो है वो एक जाति की राजनीति करते हैं, एक धर्म की राजनीति करते हैं, वो पैसे की राजनीति करते हैं, खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं, लेकिन वही लोग करते हैं जिनके पास कुछ होता नहीं। हम सभी जातियों में विश्वास रखते हैं, सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं। मैं जब NSUI का मैंने स्टार्टिंग किया, अपने छात्र जो कांग्रेस पार्टी का छात्र विंग है NSUI, जब मैंने वहाँ से राजनीति की स्टार्ट की तो मैंने कभी ये लगा ही नहीं कि मैं OBC समाज से बिलोंग करता हूँ या मैं जांगड़ा समाज से बिलोंग करता हूँ। मेरे सभी जातियों में अच्छे भाई हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज की बात करे या दलित समाज की बात करे या जाट समाज की बात करे या किसी और समाज की, अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें, यानी कि मुझे कभी ये महसूस ही नहीं होता। और मैं ये पूरा प्रयास करूँगा कि जैसे जब 2019 का विधानसभा चुनाव हो कि ऐसा कुछ इसकी तरफ लोगों का ध्यान ही ना जाए, वो सिर्फ एक ही मात्र देखे कि सफीदो हलके का जो हमारा 30 साल से 40 साल से जो इस हलके की अनदेखी होती हुई है, हम ये चाहते हैं कि सफीदो का हर आदमी का विकास हो, चाहे उसमें गरीब है, मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, छोटा दुकानदार है, हमारे नौजवान हमारा भाई है, तो हम ये चाहते हैं कि सभी वर्गों को हम साथ लेकर चले। तो ये थे युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव नरेश जांगड़ा, इनका साफ तौर पर कहना है जो सफीदों की जो 25 से 30 सालों की राजनीति रही है यहाँ पर, यदि हम बात करें तो वो राजनीति फूट की, जात पात की और धर्म की राजनीति रही है, उसको मायने बदलने की कोशिश इनकी रहेगी और मेल जोल और भाईचारे की राजनीति के एक एग्जाम्पल सेट करने की इनकी कोशिश हो रही है। जो सत्ताधारी पार्टी के जो वायदे थे उन वायदों के ऊपर खुलकर नरेश जांगड़ा ने कहा, जो भी वायदे थे वो कागजों तक सिमट कर रह गए हैं, धरातल पर उसका कोई नतीजा नहीं है, जिसकी वजह से प्रदेश की जो जनता है वो हाहाकार है और त्राही त्राही कर रही है। कहीं ना कहीं जो वायदे थे उनको नहीं पूरा किया गया, खासकर युवाओं को रोज़गार के वायदे जो किए गए थे उनमें जो सत्ताधारी पार्टी है पूरी तरह से विफल हुई है। बसपा इनेलो के अलायंस के बारे में इन्होंने कहा, ये एक बेमेल गठबंधन है और जो विपरीत विचारधारा के जो लोग हैं उनका ये गठबंधन है, उनके जो मतदाता हैं उनके भी विचार आपस में विपरीत हैं, कहीं ना कहीं इस गठबंधन के भी किसी प्रकार का फर्क कांग्रेस पार्टी पर नहीं पड़ने वाला है, और यदि इनको अवसर यहाँ से मिलता है पार्टी की तरफ से तो कहीं ना कहीं एक नई राजनीति के तौर तरीके के साथ नए आयाम स्थापित करने के प्रयास इनके रहेंगे। और भी तमाम इसी प्रकार की जानकारी लेने के लिए आप जुड़े रहिए संसार क्रांति के साथ, सफीदों से संसार क्रांति के लिए करमवीर आर्य।